एकदम बोल दिया कि गोखा वाली बात कर रहा है एकदम सही सही भैया। एक एक छोटा सा निवेदन अभी आपसे एक गाड़ी के मामले में, भैया हम लोग यहीं के रहने वाले, हम लोग की गाड़ियाँ भी यहीं चलती हैं, हम लोग भी जानते छह महीना बाद कभी मालिक नहीं चाहता ऐसी बातें, लेकिन आपकी गाड़ी भैया इतनी रफ हो, लड़का चलाता है, आप कम से कम 100 लोग हम लोग होंगे, पता कर लीजिए कि हम लोग कबार बच चुके हैं उससे, नंबर आपका नहीं मिल रहा था, नहीं तो हम लोग इससे पहले क्योंकि 3-4 महीने से आपकी गाड़ी आ रही है टाइम में, दोपहर में पूरी कई लोगों को सिखाना, जो उसका भाई है अभी पिताजी का नाम क्या नाम भैया उसके पिताजी का, स्वर्गीय स्वर्गीय देवी शरण, ये समझ लीजिए भैया निवासी उम्र भैया तरह इनका है, वो पता कहाँ का भैया उम्र कितनी है पूरा पता चाहिए, पूरा पता चाहिए, ग्राम पोस्ट तहसील ग्राम कहाँ का है इनका ग्राम बिजपुर पोस्ट थाना बिजपुर है ये है, उम्र 45 साल पोस्ट बिजपुर 45 भैया 45 हाँ लिख लीजिए 9455462691 चूड़ामढ़ी देवी सर ग्राम बीजपुर पोस्ट बीज जी भैया बहुत ही निहायत गरीब भैया समझिए स्थिति ये है, लाल कार्ड है घर में इनके, बच्चे ठेला इनकी पिताजी चलाते हैं, आप किसी से पता कर लीजिएगा भैया इतना है। नहीं नहीं सही बात है, बच्चा भैया किसी का वो तो पूरा हो नहीं सकता है, लाइसेंस मंगाइए भैया भैया थोड़ा व्हाट्सएप पे साहब के व्हाट्सएप पे लाइसेंस को भेजवा देते हैं, इसके पास के नंबर वहाँ पे अपने मंगाइए। हाँ सर नमस्ते ठीक आप हमारे नेट नहीं हेलो हमारा तो पता नहीं 2G पकड़े हुए पता नहीं कौन भेज रहे हैं ना। अब आप लोग बात कर लीजिए, ये हैं सब लोग घर वाले, अब आपस में बात कर लीजिए क्या सहमति बनती है, एकदम दिल खोल करके क्लेम वकील लड़ता है, क्लेम वकील दिलाता है, जितना बोल रहा है कि क्लेम अध्यक्ष जी वकील क्या करते क्लेम चेक होता है पहले क्या कितना गवाही में क्या करना पड़ेगा कुछ नहीं करना पड़ेगा, गवाही में होता है कि हाँ इसको एक गाड़ी नंबर थी ये इन्होंने देखा था मतलब अपना आदमी सर मतलब घरे का मतलब ही होगा बात अगर अगर जो है ड्राइवर के पास डीएल नहीं है मालिक की जिम्मेदारी है, जो हमारा क्लेम होगा वो मालिक देगा, जो आप लोग नाम देंगे बीमा दे साफ कर रहे हैं गाड़ी वहाँ बीमा देते अगर डीएल नहीं है तब भी हमको क्लेम मिलेगा, वो ओनर की जिम्मेदारी होगी, अगर सब कुछ ओके है तो LIC देगा। अब आप किस पे करना चाहते हैं, जिला चाहते हैं उनसे बात करें क्या मैटर, ये जो बोल रहे हैं कि क्लेम नहीं बनेगा, मालिक बोल रहा है ना उसका डीएल नहीं है क्लेम नहीं बनेगा आपको, गाड़ी के नाम पे कैसे सामने लगा ये ए
ऐसी कोई बात नहीं, अगर डीजल नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी ओनर की होगी। क्लेम हमको मिलेगा, ओनर के द्वारा मिलेगा, उसको देना पड़ेगा। बाकी आप लोगों को पता है। अरे तो भैया, तो वो हाई कोर्ट तक ना जाए पड़े तो कहते हैं इंश्योरेंस कंपनियां तो भाग जाए। हाँ, ओनर को देना पड़ेगा। जो चीज़ आसानी से होनी है, हम एक लाख मुकदमा देखा। हमारे ससुर का मामला फंसा था, वो लग गया 10 साल। हाँ, तो वो तो लगेगा, टाइम तो लगेगा। और इसमें क्या होगा, आपका एक साल जाते जाते, जैसे यहाँ पर 354 फार्म भरा गया, चार्जशीट लगी है, तुरंत आपकी जो है न्यायालय में पहुँचते ही प्रक्रिया में आ जाएगा, वकील तेज रहेगा, 6 महीना के अंदर फाइनल कर देगा। 6 महीना के अंदर जो भी है, हमारे बात करना है। नहीं, सही है, आप सही बोल रहे। क्या मतलब है हमारा? जी, तो जी, नहीं, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन वो गलत बोल रहे हैं कि क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, वो उसकी ओनर का हो नहीं सकता है, उनको देना ही पड़ेगा, उनकी संपत्ति कुछ होगी। भाई तो सब जान रहे हैं, अरे हम भी जान रहे हैं। जल्दी बात हो जाए वो है, उनकी पूरी संपत्ति हो जाएगी, उनको देना पड़ेगा। उनको बता दीजिएगा, नंबर वही ना, 94-15-0411। वही नंबर है, वो 94-15-0411। लिखा तो है, ठीक तो है। अब सारी बातें हो गई, नंबर दे दिया हूँ आपको, आप जो है बात कर लीजिए। आप समझ लीजिए, रणहोर में हम थे नहीं, वो ट्रैक्टर को बेचारा गरीब आदमी ट्रैक्टर ड्राइवर का नाम किसी को जानकार नहीं है, हद से डाल दिए, उसका डीएल ही नहीं, इतना बड़ी मुसीबत फंस गई उसकी। अब क्या बताऊँ, गरीब थक मारा गया। मालिक जानते क्या है, मालिक तो चला नहीं रहा था, तो सीधे के हाई कोर्ट तक है लटका देगा ना। आज नहीं जाना पड़ेगा, कि हमें बिल्कुल जाना पड़ेगा, तो क्या नहीं जा सकते हो? उसका तो खराब है, वो नहीं हो, नहीं मिला, वो नहीं।
करवा दे रहे हैं फिर ना, लेकिन जो बोले हैं उसको कर दीजिएगा, फिर हमको बोलना ना पड़ेगा ऐसा। तो ठीक है, ऐसो साहब, ऐसो साहब से बात कर लीजिए। हाँ ठीक ठीक, नाम लिखा गया ना सब, हो गया तो व्हाट्सएप भेजा है ये लोग। चलो ठीक ठीक, चलिए वो तो खुद अपने पैर में बुराई करो, मरेंगे आप लिखवाइए नाम कहाँ है। चलिए नाम के लिए आओ ठीक ना। नहीं एक आदमी क्योंकि नाम लिखाओ खट से, चलो साइन कर बाबू। आप समय
बहुत बड़ी ठंडी है तू नहीं जाओगे ऐसा है ना तू मत जाओ दादा ए बाबू चला ए बाबू चले जाओ ना कोई दिक्कत नहीं बुराई के लिए तो क्योंकि दुर्घटना होगी उसको आपको सारा नहीं जाना नहीं है।
चलो जे मुख ले दे ले तके ले ले और ये सब पैसा दे सर से क्या ये जो देव आने में सारे पैसा है
Thank you.